हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की खबरें कुछ इस तरह से। मराठा क्रांति मोर्चे द्वारा आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र भर में किया गया बंद गुरुवार को सफल रहा। मराठा क्रांति मोर्चे की ओर से गुरुवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था। मुंबई में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ एक स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के अलावा बंद शांतिपूर्वक रहा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुणे की 7 तहसीलों शिरूर, खेड़, बारामती, जुनार, मावल, दौंड और भोर में इंटरनेशनल सेवा बंद कर दी गई। सोलापुर, लातूर, मालेगांव, सिंधुदुर्ग, नासिक, हिंगोली और नागपुर में चक्का जाम किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और पिंपरी, चिंचवाड़ में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कई निजी कंपनियों में भी छुट्टी घोषित कर दी। संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य आरक्षित पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते तैनात किए गए। बांद्रा में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। शहर के अलग अलग नुक्कड़ और चौराहे पर भी पुलिस तैनात की गई। महाराष्ट्र बंद को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा और सफल मराठा मोर्चे के अलग अलग बयानों से उलझन की स्थिति बन गई। मराठा क्रांति मोर्चा सिर्फ धरना प्रदर्शन की बात कर रहा था तो सकल मराठा मोर्चा बंद की। खास बात यह है कि नवी मुंबई और ठाणे में पिछले बंद के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए बंद से अलग रखा गया, जबकि मुंबई के उपनगर में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया। लेकिन सकल मराठा मुंबई सहित राज्य में हर जगह बंद कराने के पक्ष में था। वैसे अभी मुंबई में सब कुछ सामान्य रहा। यहाँ पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मराठा आंदोलन के तहत महाराष्ट्र भर में बंद के कई स्वरूप देखने को मिले। जहां सांगली में बंद के साथ मराठा मोर्चे ने रैली निकाली तो वहीं कई दुकानों पर पत्थरबाजी करने के साथ ही चालू दुकानें बंद कराई गईं। सांगली और तासगांव रोडपुर मराठा क्रांति मोर्चे ने रास्ता रोककर आंदोलन भी किया। वहीं रास्तों पर टायर जलाकर सरकार को निषेध किया गया। सरकार के खिलाफ आंदोलनकारियों ने नारेबाजी भी की। इसी के साथ मराठवाड़ा और विदर्भ की सीमा पर मालेगांव में रास्ता रोका गया। अमरावती में स्कूल, कॉलेज, बसें और बाजार बंद रहे। 13 तहसीलों के सामने अलग अलग आंदोलन किए गए। कई मुंडन किया गया तो कुछ जगहों पर रास्ता रोका गया। सोलापुर में मराठा समाज ने सोलापुर पुणे हाईवे जाम कर दिया। मराठा आंदोलन का असर पूरे मुंबई शहर पर भले ही नहीं पड़ा हो, लेकिन शहर की सब्जी मंडियों पर बुरा असर पड़ा। नवी मुंबई के एपीएमसी के 5 थोक मंडियां बंद रही। नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट बंद होने की वजह से मुंबई की सब्जी मंडी में सब्जियां आई ही नहीं, इसलिए दादर सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रहा। जिस सब्जी मंडी में सुबह पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां सन्नाटा छाया रहा। विक्रेता स्टॉल पर सोते नजर आए। राजस्थान और देश की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखो जागरूक, बनो जागरूक।